हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम 3.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग जो क्वेश्चन हो गए बच गए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, आपका ये बोला सी इन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ये बोला क्या है द क्वाड्रेंट। अब जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे प्लीज पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, फिर आप अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये देखा कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ठीक है। ये क्या बोल रखा है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी क्या है यहाँ पर, ये है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या कितना हो जाएगा, -5, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मतलब पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। एक्स की वैल्यू कितनी है, -5, एंड वाई कितना हमारे पास, 2 है। तो क्या होगा -5, 2। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -5, 2। इतनी बात समझ में आ रही है, जिन बच्चों को आता है खुद से सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपना आंसर कंपेयर कर लें, ठीक है। अब यह मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहां पर है स्टूडेंट, देखो सी ये रहा, ठीक है। तो सी एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स कितना है, 5 है, एंड वाई कितना है, वाई हमारे पास -5 है। तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखो तो 5, -5, इतनी बात समझ में आ रही है। तो 5, -5, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5, -5, ठीक है। अब नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट दिस वन, मतलब ये जो लिख रखा है इसके पॉइंट बताना, ये पॉइंट कौन सा होगा, -3, -5। तो पहले आपको ये देखना है दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव। तो आपको बताया था स्टूडेंट, मतलब दोनों निगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो तो -3, -5 कौन सा है, देखो ये क्वाड्रेंट है, -3, एक्स की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू 1, तो मतलब -3, -5। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, पॉइंट क्या है, ई है। तो इसका आंसर क्या है, ई पॉइंट है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ में। अब देखो पॉइंट आइडेंटिफाई द 2, -4। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू क्या है, -4। ये एक्स है और ये वाई है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा स्टूडेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे 2, -4, 2, -4। तो ये आएगा देखो 2, एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 2, 2, -4। इतनी बात समझ में। तो कौन से क्वाड्रेंट है, मतलब पॉइंट कौन सा है, जी। क्लियर है, आई बस समझ में। अब देखो अब ये बोल रखा है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो अभी आप देखो एब्सिसा डी, देखो डी पॉइंट कहां है, डी, डी के कोऑर्डिनेट लिख लो स्टूडेंट। कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6, 2, ठीक है, होगा, मतलब ये एक्स और ये वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई, तो 6, 2 होगा। तो 6, अब यहां पर देखो एक्स है और ये वाई है, तो इसका एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू, तो एब्सिसा कितना होगा, मतलब एब्सिसा ऑफ कोऑर्डिनेट डी इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही बोल देता ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी तो क्या होता, 2 होता। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अब देखो द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट देखो क्या है, एच पॉइंट क्या होगा, एच -5, और देखो एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू -3, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अब देखो ये -5 और ये -2, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए दोनों क्या है, निगेटिव है। तो अब देखो इसके बारे में बोलो ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे एक्स है और ये वाई है, तो ऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट, वाई की वैल्यू, तो वाई इक्वल टू क्या, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब बोला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट कहां है, देखो एल पॉइंट ये है, एल पॉइंट क्या है यहां पर, ये वाई एक्सिस पर है, एल पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मतलब जो मतलब इस वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होगी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 है, ठीक है, ये क्या ओरिजिन है, 0, 0, यहां पर देखो एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो क्या आ जाएगा, 0, 5। तो ये याद रहे, जो भी अगर मान लो यही पॉइंट यहां पर होता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3, 0, क्योंकि ये पॉइंट किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट रहेगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। जैसे मान लो यही पॉइंट ये है, इसको क्या नाम देंगे बताओ, इसको क्या नाम देंगे, 0, -2, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो 0, -2। इतनी बात समझ में, लेकिन ये पूछा नहीं हमसे, नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, इसको हटा देते हैं। बाकी लास्ट बोल रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम कहां है हमारे पास, एम देखो स्टूडेंट, एम ये रहा, ठीक है, ये एम रहा। अब ये इसके कोऑर्डिनेट बताना है, ये पॉइंट किस पर है,
एक्स एक्सिस पर रहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस थ्री कॉमा जीरो, और ये एक्स एक्सिस पर, इसलिए वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन, माइनस थ्री कॉमा जीरो। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये आपका एग्जांपल मैंने ले रखा है एक, ठीक है, एग्जांपल थ्री है, ये बोला लोकेट द पॉइंट फाइव कॉमा जीरो टू कॉम, मतलब ये सारे पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना, मतलब कार्टेशियन मतलब एक्स वाई प्लेन में लोकेट करना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करते हैं, ये क्या है फाइव कॉमा जीरो, तो फाइव कॉमा जीरो है तो मतलब ये देखो वाई की वैल्यू जीरो है, तो कौन से पॉइंट, मतलब वाई की वैल्यू जीरो है यहाँ पर, तो कौन से एक्सिस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, ये पॉइंट आ जाएगा ये फाइव कॉमा जीरो। ठीक है, आई बस समझ में स्टूडेंट क्लियर है। अब है जीरो कॉमा फाइव, जीरो कॉमा फाइव मतलब एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो मतलब ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा, मतलब ये पॉइंट होगा जीरो कॉमा फाइव। ठीक है, फिर आएगा टू कॉमा फाइव, टू कॉमा फाइव मतलब एक्स की वैल्यू टू है, वाई की वैल्यू फाइव, टू कॉमा फाइव, और दोनों दोनों पॉजिटिव है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, टू कॉमा फाइव ये हो गया एक्स वैल्यू टू, और ये कॉमा फाइव मतलब ये समथिंग ये पॉइंट आएगा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं जीरो कॉमा फाइव। तो ये देखो इसको ऊपर, ये परपेंडिकुलर लाइन बना लो, ठीक है, ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे ऐसे, और तुम्हारा ऐसे, तो ये जहां पर मीट करेंगे वो हो जाएगा टू कॉमा टू कॉमा फाइव। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है, तो ऐसे बना देंगे, क्लियर है स्टूडेंट। फिर आएगा फाइव कॉमा टू, फाइव कॉमा टू मतलब ये फाइव कॉमा टू, ठीक है, और ये टू, ये आ जाएगा और ये फाइव कॉमा टू, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा फाइव कॉमा टू, फाइव कॉमा टू। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, इसको डालो, तो एक्स की वैल्यू कितनी है फाइव है, एंड वाई की वैल्यू कितनी है टू है, तो ये आ जाएगा फाइव कॉमा टू। ठीक है, फिर आएगा माइनस थ्री कॉमा फाइव, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, माइनस थ्री है, एंड वाई की वैल्यू क्या फाइव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है एंड वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये देखो माइनस थ्री ये हो गया एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू कितनी है फाइव है, तो देखो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका, आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, ठीक है, तो इसको सीधा बना लो, ये आ जाएगा, तो ये पॉइंट जो होगा आपका माइनस थ्री कॉमा फाइव होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री, वाई की वैल्यू फाइव, ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। आई थिंक बहुत बच्चों का आइडिया लग गया होगा कैसे बनाना है। फिर आप माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव, माइनस थ्री कॉमा फाइव दोनों निगेटिव है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव, माइनस थ्री है ये और माइनस फाइव है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो जो बच्चों को दिख, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा बहुतों को, आई थिंक समझ पा रहे होंगे, तो माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव, ठीक है, माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव, क्लियर है स्टूडेंट। माइनस थ्री कॉमा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, देखो एक्स वैल्यू माइनस थ्री एंड वाई वैल्यू माइनस फाइव, तो माइनस थ्री कॉमा फाइव हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। फिर आएगा फाइव कॉमा माइनस थ्री, फाइव कॉमा माइनस थ्री, तो फाइव कॉमा माइनस थ्री क्या, ये तुम्हारा थ्री माइनस थ्री हो गया, देखो ये आपका माइनस और ये फाइव हो गया, ये आ गया था आपका, ये पॉइंट कौन सा हो गया तुम्हारा फाइव, एक्स की वैल्यू फाइव और वाई की वैल्यू माइनस थ्री। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है, तो ये आ गया पॉइंट फाइव कॉमा माइनस थ्री। फिर क्या है सिक्स कॉमा वन, तो सिक्स कॉमा वन कहां पर लाई करेगा स्टूडेंट, यहां पर लाई करेगा, ये पॉइंट क्या होगा सिक्स कॉमा वन होगा, इसको इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं, फाइव कॉमा जीरो था और ये सिक्स कॉमा, अब देखो ये सिक्स है और कॉमा वन मतलब ये, ठीक है, क्या बोला गया सिक्स कॉमा वन, सिक्स कॉमा जीरो नहीं बोला है, सिक्स कॉमा जीरो होता तो यहां पर होता, ठीक है, यहां पर होता, बट सिक्स कॉमा वन बोला, तो ये क्या होगा सिक्स कॉमा वन, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट सिक्स कॉमा वन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा कि कैसे पॉइंट लोकेट करना है इन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, हो गया लोकेट, ये तो हो गया, तो ये एग्जांपल था आपका, एग्जांपल थ्री था स्टूडेंट। ठीक है, अब ये देखो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है आपके, एक्सरसाइज का 3.3 का पहला क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस, देखो कौन बोल रखा है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट पे है और कौन से एक्सिस पर है। ठीक है, डू ईच एक्सिस ऑफ द पॉइंट, अब देखो ये पॉइंट दे रखा है, एंड वेरीफाई द आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कैसे वेरीफाई करना है, इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करके करना, कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट,
तो आप इसका टेबल ग्राफ बना के लोकेट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों इसको लोकेट कर लेंगे ठीक है इन विच क्वाड्रेंट। अब ये हम देखो जैसे मतलब आप जो लोकेट करेंगे ग्राफ बनाएंगे आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, आप ऐसे रफली वर्क नहीं करेंगे स्टूडेंट ठीक है। आप एग्जैक्ट ग्राफ पेपर का यूज करिए उसमें आप अच्छे से ड्रॉ करिए ठीक है। ये बोला क्या है देखो पहला पॉइंट देखो कहां पर है, पहला जो है -2.4 है। तो आप यहां पर देखेंगे -2.4 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आप, देखो -2 मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है यहां पर निगेटिव है एंड वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो मतलब क्या है -2.4 -2 ये होगा और 4 ये होगा ठीक है। तो ये समथिंग यहां पर है तो ये क्या हो जाएगा ये आ जाएगा -2.4। ये कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है। तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमें यही बताना है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में ठीक है। ये किस में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट क्लियर ठीक है। अब दूसरा देखो 3.-1 दूसरा है 3.-1 तो एक्स की वैल्यू 3 है एक्स की वैल्यू 3 ठीक है और -1 मतलब y की वैल्यू निगेटिव है। तो ये पॉइंट आ जाएगा समथिंग ये आ जाएगा तो ये आ गया आपका 3.-1 ठीक है। आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करिएगा स्टूडेंट ये क्या 3.-1 तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट है स्टूडेंट ठीक है। 3.-1 ये कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट क्लियर है। थर्ड ये देखो नेक्स्ट क्या बोला -1.0 -1.0 तो -1.0 कहां अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट देखो -1.0 एक्स की वैल्यू देखो -1 ये रहा और वाई की वैल्यू 0 है मतलब ये जो पॉइंट है किस पर लाई करेगा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो -1.0 तो ये हो गया आपका ये कौन सा एक्सिस पर लाई कर रहा है ये -1.0 तो ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है किस पर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। फिर 1.2 नेक्स्ट है 1.2 ठीक है 1.2 दोनों पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या है एक्स एक्सिस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 1.2 एक्स वैल्यू 1 और ये 2 ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा तो सही से ड्रॉ कर लेंगे ये तो ये वाला पॉइंट होगा स्टूडेंट तो ये होगा 1.2 तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर है स्टूडेंट। अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं फिफ्थ क्या है -3.-1 मतलब दोनों निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखो -3.-5 तो -3 एक्स की वैल्यू क्या है -3 ठीक है थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। आप स्केल का यूज करेंगे रफली नहीं बनाएंगे -3.-5 और ये -5 हो जाएगा स्टूडेंट तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा -3.-5 ठीक है इसको हटा देते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा ये वाला पॉइंट -3.-5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट क्लियर है ठीक है क्लियर क्लियर। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट क्योंकि दोनों निगेटिव है एक्स भी निगेटिव है वाई भी निगेटिव है इसीलिए किस में लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबका आंसर मिल गया और हमने लोकेट करके जस्टिफाई भी कर दिया आपका आंसर क्लियर है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे बाकी के आप जो आपके एनसीईआरटी बुक है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी होगी उससे भी प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ठीक है डिफरेंट टाइप के और भी क्वेश्चन करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे ठीक है स्टूडेंट। आज के लेक्चर ओके थैंक यू।